नमस्कार, हम लोग दासबोध देख रहे हैं। दशक सातवां, समास दूसरा, ब्रह्म निरूपण। इसमें समर्थ रामदास ने क्लियरली कहा है कि देह बुद्धि से हम लोग ब्रह्म की प्राप्ति कर नहीं सकते, आत्मबुद्धि से कर सकते हैं और सद्गुरु की कृपा से हम लोग ये प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करने का ये वो बता रहे हैं। उसके अलावा ब्रह्म को कितने नाम हैं और वो कैसे नामातीत हैं और कैसे उससे एक रूप रहने का, ये भी उन्होंने बताया। ठीक है, और वैसे हमें कैसे जिंदगी जीने की वो भी बता रहे हैं। चलो हम सुनते हैं। श्री राम, ब्रह्म निर्गुण निराकार, ब्रह्म निस्संग निर्विकार, ब्रह्मा से नहीं पारावर बोलती साधु। कि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है, ब्रह्म निस्संग है, किसी के संगत में नहीं है, वो संग के परे है, निर्विकार है, उसको विकार नहीं है कुछ भी, कि उसको ये है वो है, ऐसा नाम है वैसा नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा से नहीं पारावार, वो हर पार यानी मराठी में क्या है कि उसको कोई अंत है, कुछ भी अंत नहीं है। ऐसे बोलती साधु, साधु यानी जो आत्मज्ञानी व्यक्ति, साधु सन्यासी, ब्रह्मध्यानी, आत्मध्यानी, सज्जन, ठीक है, ये सारे शब्द सत्य यानी भगवंत से एक रूप वाले व्यक्ति। ब्रह्म सर्वास व्यापक, ब्रह्म सबसे व्यापक है, उसके परे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही सबसे परे, उसका अंत ही नहीं है ना। ब्रह्म अनेक ही एक, एकम बहुश्याम, बहुत सारी चीजें दिखती है लेकिन ब्रह्म तो एक ही है, सब जगह, सब चीजों में, व्यक्ति में, शक्ति में, एंटिटी में, हर जगह, हर स्थली, हर स्थल में, हर जगह। ठीक है, ब्रह्म अनेक एक, ब्रह्म शाश्वत, हा विवेक बोलीला शास्त्री। ब्रह्म शाश्वत है, ऐसा विवेक से शास्त्रों में कहा गया है। और साधु और शास्त्री, यहाँ पे शास्त्र के ऊपर टिम्ब है, बिंदु है, शास्त्री ने शास्त्रों में कहा गया है। अगर शास्त्री भी आदमी रहा तो उसको जो आत्मज्ञान जानता है उसी को शास्त्री कहते, ऐसा भी उसका मतलब निकलता है। ब्रह्म अच्युत अनंत, ब्रह्म सदोदित संत, ब्रह्म कल्पने रहित निर्विकल्प। ब्रह्म अच्युत है, कभी ढल नहीं सकता। ब्रह्म सदोदित है, हरदम ही है। संत यानी शांत है, अपने जगह स्थिर है। ब्रह्म कल्पने रहित, कल्पना के परे है, निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि आती है जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, सब कुछ मन में शांत है, कुछ भी विकार नहीं, कुछ भी नहीं, तब होता है, उसके भी परे परमात्मा है। ब्रह्म या दृश्या वेगळे, ब्रह्म जो दिखता है उसके भी परे है, उससे, उसमें है लेकिन उससे अलिप्त है। ब्रह्म शून्यत्वास निराळे, ब्रह्म इंद्रियांच्या मेळे सोजविना। ब्रह्म शून्य के भी परा है, उस शून्य तत्व है, उससे भी अलिप्त है। ब्रह्म इंद्रियांच्या मेळे, कि ब्रह्म जो इंद्रिय है, आँख है, कान है, उससे भी हम लोग ब्रह्म देख नहीं सकते, या तो देखते हो उसके भी परे है, कान से सुनते हो उसके भी परे, और फिर भी ज्ञानेश्वर महाराज और समर्थ रामदास कह रहे हैं कि मैं आपको आंखों से बताऊंगा, कानों से सुनाऊंगा, बुद्धि से उनको समझा के बताऊंगा, मन को भी उसके उसके आपके मराठी में गड़ी उत्तर भी मंडा था, इसका मतलब मैं आपको समझा के बताऊंगा। ठीक है, ब्रह्म दृष्टि से दिसेना, ब्रह्म मूर्खा से असेना, ब्रह्म साधुवीण ये ना अनुभव से। ब्रह्म दृष्टि से दिखता नहीं लेकिन मूर्ख लोगों को समझता नहीं है, और ब्रह्म साधुवीण ये ना, कि ब्रह्म सद्गुरु होने के बाद ही अनुभव में आता है। ब्रह्म सकाहुनी थोर, ब्रह्म सबसे थोर है, बड़ा है, बड़ा यानी कि आकार से भी बड़ा है, और अगर आपका एज लिया, आप कितने आयु के बोला, तो वो सबसे सबसे ज़्यादा आयु ब्रह्म तत्व की है। ब्रह्म ऐसे नहीं सार, ब्रह्म जैसे कोई भी सार नहीं है, जीस्ट बोलते सारांश है, ब्रह्म जैसा सारांश कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सूक्ष्म अगोचर ब्रह्माधिकांशी, ब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि जो ब्रह्मदेव को भी नहीं समझता। तो मैं बचपन की बातें बता रहा था, मैं सबसे छोटा हूँ, कितना रे, क्या आटम के जितने, नहीं नहीं उससे भी छोटा, ऐसे करते करते फिर वो प्लैंक्स 10^-35 मीटर, उससे भी छोटा हूँ मैं, चल जा, मैं उससे भी बड़ा हूँ, तुम बता कितना, 1 अरब यूनिवर्स उसके बाद, उससे भी बड़ा। तो ऐसी जो बचपन की बातें रहती है ना, मैं सबसे बड़ा हूँ या तो मैं सबसे छोटा हूँ, कि मेरे को कोई समझ ही नहीं सकता, वैसे ये बता रहे हैं। अरे साधु संतों के मन इतने क्या रहते हैं, कि बच्चों जैसे, अरे शुद्ध रहते हैं।
ब्रह्मादिगों को भी नहीं समझता है वो। ब्रह्म शब्द ही ऐसे तैसे, ब्रह्मा शब्द में या ऐसा है वैसा है कुछ भी बोला तो उसके भी परे है। बोली जे त्याहु ननारे से, जो भी बोला उससे भी परे है, वो समझ में नहीं आ सकता है। परिते श्रवण अभ्यास से पाविजे ब्रह्मा, लेकिन श्रवण किया, अभ्यास किया तो ब्रह्म तो हमें प्राप्त हो सकता है। श्रवण क्या, हम खुद के मन में भी उसका विचार कर रहे हैं, नामस्मरण कर रहे हैं और खुद ही सुन रहे हैं, उसको भी श्रवण कह सकते हैं। किसी साधु संतों का सुनना उसी को श्रवण कहते हैं, ऐसा नहीं है। पाविजे ब्रह्म, हम खुद का भी आवाज सुन रहे हैं। देखो ध्यान को बैठे, खुद का आवाज सुन रहे हैं। जैसे अनाद ध्वनि, ऐसे कान के ऊपर रख, आप हाथ रख के देखो तो कुछ तो एक किसी के ऊपर ऐसे 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 किया तो ताली बजती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं किया तो भी अपने को गूं ऐसा आवाज आता है। तो परब्रह्म था तो उससे भी परे, खुद का भी श्रवण खुद कर सकते हैं। अनाहत ध्वनि कहते हैं इसको, किसी का नाद नहीं किया फिर भी ऐसे कान में आवाज आ रहा है उसको, वैसे खुद की खुद बातें सुन सकते हैं। तो हम लोग परब्रह्म तत्व की बातें क्यों ना करें, क्यों क्यों ना आत्में अंदर में, सॉरी मराठी में आत बोलते, अंदर में हम लोग उसका नामस्मरण करें, वही खुद सुने। श्रवण श्रवण अभ्यास से पाविजे ब्रह्म, उससे हम लोग ब्रह्म तत्व से एक रूप हो सकते हैं। ब्रह्मास नामे अनंत, ब्रह्म को अनंत नाम है। परिते ब्रह्म नामातीत, तो फिर भी ब्रह्म नाम के अतीत है। ब्रह्मा से हित दृष्टांत देता न शुभ, ब्रह्म को कोई भी दृष्टांत दिया, कोई भी उदाहरण दिया तो वो उदाहरण के परे है। वो जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मार्तंड चेता अपहीन, जो साधु संत रहते हैं वो सूर्य के समान रहते हैं लेकिन वो शांत और ठंडे रहते हैं। तो फिर सूर्य फेल नहीं हो गया क्या, यानी उदाहरण फेल हुआ, सूर्य फेल नहीं हुआ, उदाहरण फेल हुआ। सूर्य अपना काम बराबर कर रहा है, सूर्य भगवान है अपना काम कर रहे, और हमने उन्हीं चीजों को भगवान कहा है जिनसे हमें अखंड कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है, कृपा हो रही है उससे। देखिए आप, सूर्य रहो, कोई भी शक्ति रहो, ब्रह्मासारी के दूसरे पाहता काय आए खरे, ब्रह्म दृष्टांत उत्तरे कदा न सहे। ब्रह्मासारी का कुछ दूसरा कुछ भी नहीं है और उसके जैसा सच कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्म दृष्टांत उत्तरे, जो भी दृष्टांत रहता है उसके भी परे रहता है, उदाहरण के परे। कदा न सहे, कोई भी उदाहरण दिया तो सह नहीं पाएगा वो, उसके परे है वो। अगर जैसे माता पिता के उपकार है, आप देखिए वो कुछ हम लोग क्या उसकी उसका कुछ तोड़ है क्या, नहीं उसका तोड़ नहीं, वैसे ब्रह्म तत्व का भी नहीं है, का वो उदाहरण ही नहीं दे सकते। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, ये जो गीता में उपनिषद में कई गीता के श्लोक है वैसे उपनिषदों में है, ठीक है क्या, कि जहाँ पे सारे अपनी वाचा ये देवी जिथे वाचा निवर्ती थी मनासी नहि ब्रह्म प्राप्ति, ऐसी बोलेली श्रुति सिद्धांत वचन, कि जहाँ पे वाचा अपनी रुक जाती है इसके परे उसके परे उसके परे हो जाता है, मनासी नहि ब्रह्म प्राप्ति, मन को ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपके मन को प्राप्ति हो गया, नहीं वो संत साधु रहते वो प्रयास करते, हमसे ज्यादा प्रयास हमारे सद्गुरु करते हैं हमको आत्मज्ञान मिलने के लिए, वैसा ये प्रयास कर रहे हैं। मनासी नहि ब्रह्म प्राप्ति, ऐसी बोलेली श्रुति सिद्धांत वचन कि सिद्धांत और श्रुति में भी कहा गया कि ब्रह्म प्राप्ति मन को नहीं हो सकती, मन के परे जाना पड़ता है तभी आत्मज्ञान प्राप्ति है। फिर वो मन विचार करके बताने लगता है कि ये ऐसा है वैसा है, फिर भी वो उसके परे रहता है, उसके दिमाग के मन के परे रहता है। साइंस भी अभी पता है ना आपको कि एक यूनिफाइड थ्योरी निकालने का प्रयास कर रही है कि जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और ये एस्ट्रो जो फिजिक्स है सारा एक हो सके, अभी तक वो पहुँचे नहीं है 2024 जनवरी में, और वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कई बार बोला है कि जैसे वो साइंस ये भी डिसाइड नहीं कर पाया कि एक ही यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है कि बहुत सारे ब्रह्मांड है, अभी तक उनको ये नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है।
ठीक है, इसलिए ये देखो एविडेंस शब्द आता है, ये हिंदी का शब्द फट से नहीं आता है, इसलिए ज्ञान की बातें भी हिंदी मराठी अपने अपने लैंग्वेज में होनी चाहिए, सारा जो प्रेजेंट नॉलेज है वो उसमें आना चाहिए। ठीक है कि सो अपने यहाँ पे तो अनंतकुटी ब्रह्मांड नायक कहते, फिर वहां पे केवल एक ही ब्रह्मांड है ऐसे क्यों कह रहे, तो वो समझ में नहीं आ रहा उनको कैसे कैसे थियरीज डेवलप की जाए। तो मैंने बचपन में तो बोला था कि भाई जैसे पहले बार जब एटम पढ़ा तो हमने फिर सोचा कि अरे कणाद ने पहले एटम मॉलिक्यूल के बारे में कहा था, फिर यहाँ पे भी डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वगैरह वगैरह रहती है, तो ये तो बहुत पहले का है। तो क्या हम एटम क्यों कहते हैं, एटम भी इन्फाइनेटली छोटा हो सकता है और ब्रह्मांड यानी इन्फाइनेट ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, उतना बड़ा भी हो सकता है, तो छोटा क्यों नहीं, इन्फाइनेटली छोटा क्यों नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर मैंने ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, एक वाक्य में किसी ने बोला ज़्यादा शान पट्टी मत चला, चल पढ़ो और अपना काम कर, ठीक है। तो लेकिन ऐसे विचार आते हैं, आना भी चाहिए, नहीं तो फिर बचपन क्या है, ठीक है। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस की, कल्पना रूप मन अपाही, कल्पना से तो मन कुछ तो कुछ देखता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग समुंदर देख के आते हैं, पहाड़ देख के आते हैं, सह्याद्री देख के आए, या सातपुड़ा या विंध्याचल देख के आए, फिर हमें पता चलता है कि यार हिमालय कैसे होगा, तो हमें वहाँ तक वहाँ जाने से पहले नहीं पता चलता, इतना विशाल दिखता है। अरे यार हमने जो सह्याद्री देखा था, विंध्याचल देखा था, वो तो यहाँ पे छोटी से छोटी पहाड़ी दिखते हैं, है कि नहीं। वैसे ही हमारी जो कल्पना है पर ब्रह्म तत्व देखने के बाद, वो उसका अनुभव लेने के बाद पता चलता है, अरे यार ये तो जो भी उदाहरण है वो तो छोटे ही है, ठीक है, क्या सुंदर है। कल्पना रूप मन अपाई, कल्पना से अब हम लोग देखते हैं लेकिन वो उसके परे, ब्रह्मी कल्पना नहीं, ब्रह्म के सामने कल्पना नहीं चलती, म्हणोनि वाक्य का ही अन्यथा न हो, अयम आत्मा प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म, ठीक है। ये वाक्य में भी वो कहा गया है, वो खुद को अनुभव लेना पड़ेगा आपको। अभी ये कैसे समझेगा, अभी वो बता रहे कि ये ब्रह्म तत्व के ये सब के परे है, तो हमें समझेगा कैसे। आता मनासी जी अप्राप्त, ते कैसे हो गए प्राप्त, जो मन मन को अप्राप्त है वो कैसे प्राप्त होगा। ऐसे महाल तरी कृत्य सदगुरु है, कि सदगुरु रहेंगे तभी आपको ये पता चलेगा। भंडार गुरे भर ली परी असती आड़ किली, हाथस नहीं के लिए ते सर्व ही अप्राप्त। भंडार गुरे भरे, पूरे भंडार यानी भंडार के भंडार भरे हुए हैं, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जैसे वहाँ पे हमने देखा, तो हम लोग नागपुर के सेंटर में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आजू बाजू में रेलवे स्टेशन है, जस्ट 7-8-10 किलोमीटर दूर एरोड्रम है, बाद में ये है क्या है, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सारी इमारत है, हम बचपन में वहाँ अंदर जाके देखते थे। तो ऐसे क्या बताएं कि जैसे यानी 10-10 लाख टन का गेहूं पड़ा हुआ है, जो 2-2 हज़ार ट्रक लाइन में लगे वहाँ पे लगे डालने के लिए, वो सारा भरा पड़ा हुआ है, एक बार हमने देखा है, लेकिन बाहर का गेट ही बंद रहा, तो अंदर जा सकेंगे क्या, नहीं। आपको देखिए हम लोग ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, ऊपर चढ़ के वगैरह वो बात नहीं कर रहे, उसमें भी लोग आपको तो पता है खतरनाक दिमाग के लोग रहते हैं, मैं उसके ऊपर से चढ़ के जाऊंगा, अरे चुप तो यार। तो भंडार गुरे भर ली पर असती आड़ के लिए, लेकिन सामने का गेट बंद है, उसकी वो चाबी से खुलेंगे, फिर अंदर जाएंगे वहां के गेट खुलेंगे तो हमें सारी चीजें दिखेगी, है कि नहीं। हाथस नहीं था कि ते सर्वे अप्राप्त, वैसे ये जो चाबी है के लिए यानी चाबी है कीज है, उससे हम लोग गेट खोलेंगे अंदर जाएंगे तो सारी चीजें दिखेगी। वैसे ही सदगुरु जो रहते हैं वो चाबी है आत्मज्ञान प्राप्ति करने की, वो जब उनका जब अनुग्रह होता है तब हमें पता चलता है कि अरे जबरदस्त चीज है ये तो। तरी ते किली ते कवण मज करावी निरूपण, ऐसा श्रोता पूछे खूण वक्त ऐसी, तो वो चाबी कहाँ मिलेगी मुझे बताइए, मजा कराए निरूपण, ऐसा श्रोता पूछे पूरा, ऐसा श्रोता कह रहे हैं वक्त ऐसे नहीं समर्थ रामदास को। तो सदगुरु
होने चाहिए। सदगुरु कृपा, ये बहुत, ये सारे फेमस पंक्तियां हैं। सदगुरु कृपा तेची के लिए जीणे बुद्धि प्रकाश ली, द्वैत कपाटी उघड़ ली एक सरे। इसे द्वैत का जो कपबोर्ड रहता है अपनी, वो खुल जाती है और अपना द्वैत भाव नष्ट हो जाता है, फिर हम लोग अद्वैत भाव में आ सकते हैं, जिससे बुद्धि प्रकाशमान होती है, हम आत्मबुद्धि से संपन्न हो जाते हैं, फिर हमारा देह रहो, सब कुछ रहे, सब कुछ चलते रहता है, लेकिन आत्मबुद्धि के प्रकाश में चलते रहता है। कितना सुंदर बताया, देखो, तेथे सुख असे वाढ़ नहीं मना से पवाड़ मने विना कईवाड़ा साधनाचा। कि यहाँ पे बताया कि फिर अपने को सुख मिलता है, लेकिन मन को साधना कई किए बगैर वो समझता नहीं। और कई बार ऐसे होता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैंने अरे 1 करोड़ राम नाम लिया, आपको क्या पता, वो जो है ना, मैंने उदाहरण बताया, इस पूरे पंचक्रोशी में मेरे जितना निरहंकारी कोई नहीं, ऐसे अहंकार में आदमी अगर आ गया तो क्या हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। त्याची मने विण प्राप्ति कि वासने विण तृप्ति तेथे न चले वित्पत्ति कल्पने जी। सो इसलिए वो सावध कर रहे समर्थ रामदास, कि हमें एक इच्छा हुई कि रसगुल्ला खाने का, तो या तो खरीद के लाएंगे या तो घर में पकाएंगे, फिर वो खाएंगे तो तृप्ति हो जाती है अपने। वैसा नहीं है ये, आप कल्पना से कुछ भी करके सोच के साच के मैं अभी भगवान से एक रूप हो गया वगैरह, ऐसे होगा नहीं। ये इस इच्छा तृप्ति नाम की चीज नहीं, ये इच्छा के परे की तृप्ति है। मन को प्राप्त होने वाला है, लेकिन मन के परे जाके वो प्राप्त होगा, फिर वो मन को गोचर होगा। कितना सुंदर बताए, यहाँ पे अपनी सो कॉल्ड शांत पट्टी चलती नहीं है, ठीक है। ते परे होने पर यहाँ पे मैं साधना करूँ कर रहा है, ऐसे नहीं, हमसे साधना करवा लेते सदगुरु, और हमसे ज़्यादा प्रयास करते सदगुरु हमें आत्मज्ञान मिलाने के लिए, मिलने के लिए। ते परे हो न पर, जैसे परावाणी पता ना आपको, वैखरी मध्यमा वो परावाणी रहती, यहाँ बैठ के 1000 किलोमीटर दूर किसी को हम अपना मैसेज फ़ोन से नहीं, बैठे बैठे हम दे सकते वगैरह वगैरह, जो है अपने यहाँ पे परावाणी जो चीज़ है, लेकिन उसके भी परे हैं मन बुद्धि अगोचर, मन और बुद्धि के भी परे हैं। संग सोड़िता सत्वर पाई जेते, संग ये देह बुद्धि का संग छोड़ दिया, आत्मबुद्धि से एक रूप हो गए, तो इमिजिएटली सत्वर उसी क्षण हमें परम तत्व प्राप्त हो सकता है, पर ब्रह्म तत्व। संग सोड़ावा आपुला, खुद का संग छोड़ना चाहिए, तो क्या इमिजिएटली एक किसी ने पूछा था, संग छोड़ने आने क्या मर जाना क्या, मरने के बाद हमको आत्मप्राप्ति होगी क्या? अरे ऐसा नहीं, संग यानी देह रहते हुए भी इससे डिटैच होके आप साक्षी तो भाव से, अलिप्त भाव से एक बार देख के तो कैसी दुनिया चल रही है आप अनुभव तो कीजिए। मग पहावे आतयाला अनुभव तो या बोला सुखावेगा, कि फिर हम लोग जब देखते, अरे यार मैं तो ये देह समझ के कर रहा था खुद को, ये तो देह के परे है, फिर वो अनुभव अपने को आता है, फिर हम लोग सुखी होते। उस सुख के भी परे है आत्म सुख, इतना याद रखना। आपण म्हणजे मीपण, आपण मीन्स मीपण म्हणजे जीवपण, मैं जो करता है वो जीव है, जीवपण म्हणजे अज्ञान संग जड़ा, यही अज्ञान है, उसका संग जड़ गया तो हम आत्मज्ञान नहीं मिला सकते। तो इसके परे हमें जाना है, छोड़ना आने मर जाना नहीं, छोड़ना आने कि उसके परे जाने का है, कि भाई हाँ ऐसे इस जीव को कितने सारे देहों से जाना पड़ा है, कभी गैया थे, कभी फिर बीच में किसी ने बोल दिया, एक बार क्या हो गया, प्रवचन शुरू था, कभी गैया थे, कभी बंदर था, एक बच्चे ने इमेज, हाँ बंदर था फिर सब लोग हंसने लगे, फिर हम लोग हाँ बकरी भी थे, हाँ शेर, हाँ बिल्कुल शेर भी थे, आप वायरस थे, बैक्टीरिया थे, उन सारे जन्मों के बाद 84 फेरे के बाद हमें मानव जन्म मिला है। तो वहाँ पे मैं करते हुए है खुद का नुकसान नहीं करना, इसका संग छोड़ने का, बाद में जीव बुद्धिया, जैसे हनुमान जी है देह बुद्धिया तुदास, जीव बुद्धिया तदंश, आत्मबुद्धिया तुम्हें हम कहते हैं। अभी रामायण के बाद में क्या हुआ, वो अपने राम नाम में एक रूप हो गए, देह बुद्धि मन बुद्धि जीव बुद्धि आत्मबुद्धि सब बुद्धि सब कुछ आत्मबुद्धि सब
तरीके से भगवान से एकरूप होकर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। उनको जाके लोग बोलते हैं, ए मेरा कर्जा फिटा दो, मेरे बच्चे को पास करो, मेरी तबीयत ठीक कर दो। अरे यार वो क्या भगवान क्या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बैठे हैं? भगवान क्या व्यापार करते क्या? भगवान देखो वैसे ही आगे आने वाला है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय बहुत सारे धर्म बिर्म रहते, वो ब्रह्मम जानती सब ब्राह्मण और अपने काम कर रहा है। क्षत्रिय अपने विकार निकाल के भगवान से एक रुपया, उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो अपना असली व्यापार असली असली प्रॉफिट यानी आत्म प्राप्ति, उसको वैश्य कहते हैं। शूद्र ने भगवान से भगवान की सेवा करके आत्म प्राप्ति करा, उसको शूद्र कहते हैं। ये सारे शब्दों में उसको कॉन्क्रीट बना के अपने जाति पाति व्यवस्था करके पूरा नुकसान कर डाला सारे धर्मों का। केवल हिंदू या सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसे बहुत सारे दीवाल खड़े करके रखे। ठीक है, तो ये इससे नुकसान होता है बस। तो ये इससे क्या होता है कि और देह बुद्धि हमारी कठिन हो जाती है, फिर उसको तोड़ना मुश्किल होता है, फिर आत्मा प्राप्ति कठिन हो जाती है। आपको पता है कि अज्ञान यानी ये संग जल्ला के ऊपर एक बार ये घटी हुई घटना ही है। क्या हो गया कि जैसे 8वीं 9वीं में जाते हैं तो 10वीं के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है कि वो बोर्ड की परीक्षा है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र वगैरह लेने के लिए कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता था उस समय। अभी भी जाते और परफेक्ट कर लेते लोग। तो क्या हो गया कि तब मैं चेस चैम्पियनशिप जीता था, तो मेरा नाम बहुत सारे लोगों को पता था। ठीक है, छोटा था वैसे, 12-13 साल का फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हो गया कि अंदर गए, मेरा नंबर आया, तो वहाँ पे 2 IAS ऑफिसर बैठे थे कलेक्टर ऑफिस में। उनको बोला कि क्या मैं ऐसे नहीं लग सकता कि मैं एक मानव हूँ, जाति पाति धर्म वगैरह मुझे लिखने का नहीं। उसने क्या बोलना चाहिए? उन्हें बोला क्या आप बंदर की औलाद हो क्या? मेरी मम्मी बाजू में बैठी थी, उनको उन्होंने इतना डांटा, उनको मैंने कभी दूसरे लोगों को डांटते हुए मम्मी को देखा नहीं। क्या बच्चों के सामने आप यही आदर्श रख रहे हैं, आप IAS ऑफिसर हैं? मेरे मम्मी ने बोला उनको, माता जी ने यानी मम्मी ने। फिर अभी मुझे जब पता चला 1-2 साल पहले कि बहुत 1.5 लाख लोगों ने, 1,67,000 लोगों ने केवल आई एम अ ह्यूमन बींग ऐसे लिखा है, जाति और धर्म नहीं लिखा, मुझे अच्छा लगा। तो यानी फिर उनको मैंने बोला कि देखिए मैं तो छोटा लड़का हूँ, लेकिन आपको मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैं अपने माता जी को बोल सकता हूँ कि माता जी आप आज केवल सब्जी रोटी बनाइए, वैसे आप अगर आप IAS ऑफिसर, आप प्राइम मिनिस्टर को वगैरह ऐसे नहीं कह सकते कि जाति व्यवस्था बंद करो या धर्म व्यवस्था बंद करो? तो बोले नहीं, हम तो आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे कैसे होगा? बोला कि मैं अपने माता जी को बोल सकता हूँ, आप ऊपर वाले लोगों को लिख के दे नहीं सकते कि इसी प्रकार से हम ये इसके ऊपर आ सकते हैं। तो फिर उल्टा उन्होंने क्या बोला, फिर हमारा जॉब कैसे चलेगा? यानी अपना जॉब चलने के लिए ये सारी व्यवस्था बनाने की, और बाकी यानी कितने गवर्नमेंट में कितने जॉब होंगे? 1 करोड़ जॉब होंगे, बाकी के 150 करोड़ लोग हैं, तो बाकी 1,49,00,000 जो है, 149 करोड़ जो है, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेगा, तो क्या ये सब फालतू चीजों में फंसती रहेंगी? आप सोचिए, ऐसे ही नुकसान आज भी हो रहा है। कोई भी पार्टी आओ, नुकसान हम किसी पार्टी के, किसी के रिलीजन के, किसी देश के खिलाफ नहीं, हर देश में ऐसे हो रहा है। कैपिटलिज्म फेल हो गया, सोशलिज्म फेल हो गया, सब कुछ फेल हो रहा है। तो ये उस समय भी चल रहा था, समर्थ रामदास के समय भी। तो उन्होंने और उसका उनका जो अष्ट प्रधान मंडल वगैरह था शिवाजी का, उन्होंने फिर तुकाराम महाराज जी का तो बहुत ही यानी ज्वलंत उदाहरण था। उन्होंने तुकाराम गाथा लिखी थी, वो पानी में डुबाने का यानी प्रयास किया, क्योंकि वो संस्कृत में नहीं था और वो बहुत सारी चीजें थी और पीछे में, वो उनके सामने घट रहा था समर्थ रामदास के। तो साधु दिशते वेगा लिया, आगे आने वाले परिते सारे साधु एक रूप ही रहते, भगवान से एक रूप। जो मराठी में लिखा है, ये इसमें लिखा है, संस्कृत में लिखा है, वो एक ही है ना, एक बार आत्मज्ञान की चीजें है ना। तो फिर इतना सारा नुकसान होने लगता है, अपने ही लोग अपने लोगों का नुकसान करते हैं अज्ञान और ता से। ठीक है, नहीं
कई बार ये कठोर शब्द भी उपयोग में लाते हैं, वो बहुत बार वो कठोर शब्द में बोलता नहीं हो, क्योंकि हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, आपको पढ़ना है पढ़ लेना, बहुत कठोर शब्द यूज करते हैं समर्थ रामदास कभी कभी। तो इसके परे जाना है, हम लोग यहाँ पे अगर राम राज्य, शिव शिव शाही, राम राज्य, स्वानंद बोध पाटन जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, समर्थ रामदास आनंदवन बुन बोध कहते हैं, अंग्रेजी में यूटोपिया कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं की तो हरदम झगड़े झुगड़े चलते रहेंगे, हरदम बहुत सारे युद्ध होंगे, बहुत सारे पैंडेमिक, पैंडेमिक क्या महामारी आएगी, ये सारी चीज़ें चलते रहेंगे। अभी हमने इस स्वार्थ के कारण मेरी सत्ता चलनी चाहिए, हमारे लोगों का सब कुछ चलना चाहिए, इसके कारण पूरे पृथ्वी को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट ने तो कहा था, शास्त्रज्ञ ने, कि मानव जाति यह है कैंसर के जैसे हो चुकी है, जहां भी जाता है वहां पे सब नष्ट ही कर रहा है, पहाड़ नष्ट किया, जंगल नष्ट किए, सब कुछ नष्ट कर रहा है केवल खुद के स्वार्थ के लिए। ये क्या, ये कैसे होता है? ये नुकसान हम मैं करने के कारण होता है, मैं देह हूँ, इसको सुख शांति चाहिए, अपने लोगों को सुख शांति चाहिए, बाकी के लोग गए जहाँ पे जाना है, इसके कारण नुकसान होता है। सुड़िता तया संगा से, इस संघ को छोड़ने के बाद ऐक्य होते निस्संगा से, हम भगवान से एक रूप होते हैं, फिर हम लोग हार्मलेस क्रिएचर हो जाते हैं, किसी का नुकसान करने वाले जीव नहीं रहते, हम लोग एक सुप्रीम बींग हो जाते हैं। ठीक है, कल्पने विना प्राप्ति से अधिकार है, ऐसा कल्पने के परे प्राप्ति हो जाती है, अधिकार आने का, अरे वो तो अधिकारी है, उनको मैंने कहा उन्होंने मेरा 1 करोड़ का कर्जा पिटा दिया, अरे इसको अधिकार नहीं कहते यार, क्या भगवान व्यापार कर रहा है, 1 करोड़ का कर्जा पिटा दिया ऐसा कर दिया। हनुमान जी को भी मेरे बच्चे को ठीक करो जैसे बोल रहे हैं, क्या ये व्यापार नहीं है धर्म? ठीक है, अधिकार है भगवान से एक रूप रहने का। एक बार तो एक आदमी आया हमारे सदगुरु को, बोले आप तो अधिकार है, आपको तो पता होगा वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, फिर हमारा भी सब पता होगा तो हमारा सब ठीक करके दीजिए। स्वामी जी ने सीधा मुंह पे बोला था कि मुझे ये भी पता नहीं कि यहाँ से 4 गली के बाद कहाँ पे पेड़ और कहाँ पे किसका घर है, ऐसा कर, अरे सर्वज्ञ सर्व यानी परमात्मा, ज्ञान है उसको जानने वाला, उसका अर्थ ये है। ये जो अद्भुत, ये विलक्षण, ये जो है चमत्कार वगैरह, ये इसको परमार्थ नहीं कहते, इसको व्यापार कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगता है समर्थ रामदास तलवार लेके बैठे हैं, काट-कूट काट-कूट सब अपने मन का सारा तोड़-ताड़ करके फेंक रहे, परमात्मा से एक रूप करके वह रहेंगे। मी कोण ऐसे नेड़ी से तया ना वो अज्ञान बोली से, अज्ञान के लिए पावी से पर ब्रह्म थे, ये अज्ञान जाने के बाद, मैं कहूँ असली, ये असली समझने के बाद, ये अज्ञान जाने के बाद हम पर ब्रह्म से एक रूप होते हैं। देह बुद्धि से थोरपण पर ब्रह्म न चले जाण, तेथे होत से निर्वाण अहम भाव से। देह बुद्धि में थोर, अरे मैं राजा हूं, मैं अमीर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सबसे ज्ञानी हूं, इस पूरे पंचक्रोशी में मेरे जितना अनहंकारी निरहंकारी कोई नहीं, ये जो हम लोग जो जोक मारते थे ना, वो सारी चीजें देह बुद्धि में, कोई भी श्रेष्ठ और कोई भी कनिष्ठ हो सकता है, परब्रह्म न चले जाना, परब्रह्म के सामने सब कुछ समान है, सूरज और मुझ में कुछ भी फर्क नहीं, एक ब्लैक होल और आप में कुछ भी फर्क नहीं है, उनमें जितना सामर्थ्य, जितने शक्तिशाली उतने हम भी शक्तिशाली है, एक रूप है भगवान से, एक रूप है। तेते होते से निर्वाण अहम भाव से, वहीं पे उसका निर्वाण हो जाता है, अंत हो जाता है अहम भाव का। देवबुद्धि के सामने कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई ऊंचा है, कोई नहीं नीचा है, वो बहुत सारी चीजें चलती है, ऊंच नीच ना ही परे, पर देखिए आइए, राया रंग का एक ही चीज सर, जाला पुरुष अथवा नारी एक ही पद, सबको एक ही पद मिलता है, सब पर ब्रह्म तत्व से एक रूप है। ब्राह्मणा से ब्रह्म ते सो है, ब्राह्मण का जो ब्रह्म है वो 16 है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। शूद्रा से ब्रह्म ते वो है, उनको टच कर सकता है, वो उसको कुछ भी मिल सके, उसको यानी निकृष्ट दर्जा का मिल गया है, ऐसा नहीं, सबको समान ब्रह्म मिलता है। इन्होंने भी फेस किया है, देखो जो मैं कह रहा हूं,
ऐसे वेगळे आवळे आगळे तेथे असे जिना, ऐसा अलग पिलग कुछ नहीं रहता, सबको समान ब्रह्मतत्व से प्राप्ति होती है। उंच ब्रह्म ते राया सी, और राजा को बहुत अच्छा ब्रह्म मिला। नीच ब्रह्म ते परिवार सी, नीच ब्रह्म निचला वाला ब्रह्म से बाकी के लोगों को मिला ऐसा नहीं रहता। ऐसा भेद तयापासी मुझ नहीं, ऐसा भेद उसके पास नहीं है पर ब्रह्म के पास। सकासी मिवन ब्रह्म एक, सबको एक ही ब्रह्म मिलता है। तेथे नहीं ते हे अनेक रंग का अथवा ब्रह्माधिक तेथे जाते। एक रंग का एक गरीब आदमी और ब्रह्मदेव वहीं पे जाते हैं, वहीं पे उनका आत्म प्राप्ति होती है, वहीं एक ही चीज सबको मिलती है। स्वर्ग मृत्याणि पाताल तिही लोकिन से ध्याते सकल, सकल सिमियो ने एक चीज स्थ विश्रांति से। स्वर्ग लोक मृत्यु लोक पाताल लोक, जो भी कहो आपको, स्वर्ग यानी आकाश में, मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर, पाताल लोक अंदर में, जो भी कहना आपको, या तो जैसे भी आपको समझना है इस शब्दों का अर्थ। यहाँ के सबके जो लोग हैं, लोकिन से ध्याते सकल, यहाँ के इस लोक में रहने वाले सारे ज्ञाते लोग जो है, वो सबके सबको एक ही जगह विश्रांति मिलती है, वो परब्रह्म तत्व में, और उसी में उनको मिलने का है। गुरु शिष्य एक चिपद, गुरु को अलग ब्रह्म मिला और शिष्य को एक मिला, अलग मिला ऐसा नहीं, एक ही पद मिलता है, एक ही पद मिलता है। तेते ना ही भेद, वहाँ पे भेद नहीं है, अभेद नहीं है। परी या देहाचा संबंध तोड़ीला पाहिजे, लेकिन इस देह का संबंध तोड़ना चाहिए कि मैं इस देह के परे परमात्मा, ये तोड़ना चाहिए। और ये टूटा तभी हमें पता चलता है कि अरे परम तत्व तो हर जगह है, उससे एक रूप रहना, यही अपना जिंदगी का लक्ष्य हो जाता है। हम लोग कुछ करप्शन ही नहीं कर पाएंगे ऐसे इस अवस्था में रहेंगे तो शुद्ध जीवन ही जिएंगे। देह बुद्धि शांति सकाश से एक ही प्राप्ति, देह बुद्धि के अंत में सबको एक ही प्राप्त होता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते है श्रुति वचन, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा श्रुति का वचन है, और वहीं से ही हम लोग हो जाते हैं, वो उससे एक रूप हो जाते हैं ब्रह्म तत्व से। साधु दिशति वेगळाले, बहुत इंपॉर्टेंट, साधु अलग अलग दिखते हैं परिते स्वरूप में आने, लेकिन वह स्वरूप में मिल चुके हैं। अवघे भी उन्हें एक चीज आले देहातीत वस्तु, सबके सब मिलके एक देह के अतीत वस्तु परमात्मा वस्तु तत्व पर ब्रह्म तत्व हो चुके हैं। हनुमान जी तत्व कहते हैं ना, ब्रह्म ना ही नवे जुने, ब्रह्म कुछ नया और पुराना ऐसा कुछ नहीं, वो है ही है। और भगवान शंकर तो कहते कि वो हरदम एकदम शुभ्र सत्य और शुद्ध और एकदम नया नया दिखते हर रोज। ब्रह्म ना ही नवे जुने, नया नहीं पुराना कुछ भी नहीं, सबसे पुराना ब्रह्म तत्व है, सबसे सब जाने के बाद भी वो ब्रह्म तत्व रहने वाला है। ब्रह्म ना ही आदि कौन है, ब्रह्म में कुछ ऐड किया, यहाँ पे ब्रह्म तत्व उसमें कुछ ऐड किया, कूट कूट के भरा, रहे ये तो पहले से कूट कूट के भरा, उसमें क्या भरेंगे और उन्हें उसमें से क्या निकालने वाले, यहाँ पर ब्रह्म तत्व है, उससे निकाला तो कुछ क्या निकाला, और ऐड किया तो क्या ऐड किया। ब्रह्म तत्व है, उसमें कुछ निकाल नहीं सकते, भर नहीं सकते। उन्हें भावी लते सुने देह बुद्धि से, ये सब देह बुद्धि के पास चलते रहता है। आपको बचपन का बताया, बचपन का कि सबसे बड़ा मैं हूँ, चल बता कितना बड़ा, 100 आकाश गंगा ने उसके भी बड़े। आपको पता है वो कहानी सुनने के बाद, जैसे वो एक झार थे यानी राजा थे रशिया के, ये बार बार हम सारी कहानी देख रहे हैं क्योंकि एक मन में जड़ने के बाद हम लोगों को पता चलना चाहिए। तो एक बार क्या होता है कि उनको पता चलता है कि एक गांव का जो मुखिया रहता है वो सबको लूट रहा है। तो क्या होता है, राजा बोलता है कि सबको अपने सैनिकों को वगैरह बाहर रखता है, वो तामझाम बाहर रखता है। एक आदमी बोलता है कि आपके कपड़े दो, अरे राजा ऐसा मत करो, सुनो तो बोले। तो एक गरीब कपड़े आदमी के कपड़े पहनता है और अंदर जाता है। फिर वो राजा को बोलता, राजा उसको बोलता है कि अरे मेरा कर्जा माफ़ कर दो ना, ये हो से हुआ वैसा, नहीं करूँगा, तेरे को देना ही पड़ेगा। तो वो कहे, राजा बोलते कि नहीं आपको देना पड़ेगा, राजा की तो ये है आज्ञा है, तू कौन है मेरे को बताने वाला। वो मुखिया कहता रहा उसको, राजा को, गरीब जो व्यक्ति का भेज लिया है, बोलता है कि आप पहचानो मेरे को। तो बोलता है क्या, यहाँ का तो मुखिया मैं हूँ, नहीं लेकिन मैं उसके परे हूँ। उसके परे, अच्छा तो क्या आप 10 गांव के मुखिया, नहीं उसके भी परे। तो फिर क्या बोलते, आप
100 गांव के मुखिया नहीं उसके भी परे, तो फिर क्या आप एक शहर के मुखिया नहीं उसके भी परे, तो फिर क्या एक प्रांत है यानी महाराष्ट्र जैसे प्रांत के नहीं उसके भी परे, फिर बोलता है कि 10 प्रांत के मुखियों के मुखिया नहीं उसके भी परे, तो क्या आप जार हो यानी आप राजा हो, तो बोलता हाँ, तो उनके पैर पकड़ लेता है। वैसे ही ये जो ब्रह्म तत्व है हर चीज के परे, देह बुद्धि के परे, आत्मबुद्धि के भी परे। देखिए ये उदाहरण याद रखना है, आदमी आगे आने वाला है। देहबुद्धिचा संशय करी समाधानाचा क्षय, चुके समाधान समय देहबुद्धि योगे, कि देहबुद्धि में संशय चलता नहीं, और संशय रहा कि यार कैसे होगा के, तो वहां पे देहबुद्धि आती है। अगर संशय नहीं रहा तो हमको समाधान मिलता है। फिर क्या होता है, ये समाधान की भी परे, समाधान भी अपने को लगता है कि अरे, क्योंकि हम हमको वो रसगुल्ला खाने के बाद समाधान मिलता है, हाँ अच्छा लग रहा है, वाह वाह तृप्ति हो गई, उसकी भी परे है ब्रह्म ज्ञान का समाधान। चूंकि समाधान समय देह बुद्धि होगी, ये जो हम लोग गलती करते हैं देह बुद्धि के कारण गलती करते हैं, उसके भी परे इतना याद रखना। देहाच जे थोरपण तेजी देहबुद्धिचे लक्षण, मिथ्या जाणने विचक्षण निंदते राहो, कि जो देह का थोरपण यानी बड़ा बड़कपन है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, अमीर है गरीब है, ये देहबुद्धि का लक्षण है, ये मिथ्या है, और ये हरदम सबको कुछ ना कुछ बोलने वाला, बड़ा बुरा कहने वाला ये रहता है, तो उसमें अपने को अटकने का नहीं है। देह पावे जवरी मरण तरी धरी देहाभिमान, पुनः दाखो ही पुनरागमन देहबुद्धि मागोती। देहबुद्धि में रहेंगे तो ये सारे द्विधा वनस्थिति में रहेंगे, वनस्थिति में रहेंगे, संशय रहेगा और झगड़े झगड़े क्या क्या रहते रहता है, वार आएंगे, फिर महामारी आएंगी, ऐसा होगा वैसे होगा, वो चलते रहेगा, और देहाभिमान के कारण होता है ये। फिर देहाभिमान हुआ तो हमको तो पता नहीं कब कोई मरने वाला है, अगर ऐसी देहबुद्धि लेके मर जाएंगे तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ऐसे लख 84 फेरे हम घूमते रहेंगे देहबुद्धि के कारण। देहाचे नि थोरपणे समाधानासी आले उणे, देहो पड़ेल कोण्या गुणे हे कळे ना, है कि नहीं। देहाचे जो बड़प्पन है उसका जो समाधान है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, इससे समाधान कुछ देर के लिए रहता है, क्योंकि क्या होता है कि उससे भी बड़ा कोई ना कोई आ जाता है, जैसे मैंने राजा का उदाहरण देखा है। देहो पड़ेल कोण्या गुणे हे कळे ना, कब मृत्यु आने वाला पता नहीं। हित आहे देहाते, असली हित है वो देहा के अतीत, देह बुद्धि के अतीत है, उसके परे है। मनो ने निरूपिति संत देह बुद्धि ने अनहित हे हो चिला, कि इसीलिए साधु संतो जो निरोप दे रहे हैं, वैसे भी भगवान का मैसेज देने के लिए साधु संत आते हैं, देह बुद्धि ने अनहित हो चिला, कि देह बुद्धि के कारण अनहित होता है, अनहित यानी कि अपना हित के विरुद्ध अपना नुकसान होने वाला है। सामर्थ्य बड़े देह बुद्धि योगियां से तेही बाधी, देह बुद्धि की उपाधि पैसा वाला लगे, कि कोई देह बुद्धि का भी सामर्थ्य रहता है, लेकिन उसके कारण होता है योगियां से तेही बाधी, कि मैं एक सामर्थ्यवान हूं अधिकारी व्यक्ति हूं, ऐसे कहने वाले जो योगी रहते हैं, जैसे हमने वैसे चांगदेव महाराज तो बहुत अच्छे थे, चांगदेव महाराज जो 1400 साल के थे, फिर उनकी गुरु 7 साल की मुक्ताबाई बनी थी, याद है। तो वो ऐसे योगी जो रहते कि मैंने कहा और हुआ नहीं, ऐसे होगा ही नहीं, जो हमने एक उदाहरण देखा था, तो उनको वाचा सिद्धि ये सिद्धि वो सिद्धि रहती है, उसको अधिकार नहीं बोलते। ये योगी लोगों को भी बाधित करता है देह बुद्धि। देह बुद्धि की उपाधि पैसा वाला है, कि इसके कारण फिर ये जो उपाधि होती है ना योगी वगैरह वगैरह, वैसे योगी हमें बनने का नहीं, हमें भगवान से एक रूप होने वाला योगी होना है, भक्त होने का है। म्हणून देहबुद्धी हे झडे तरीच परमार्थकडे, देहबुद्धीने बिघडे ऐक्यता ब्रह्मीची, इसलिए देहबुद्धी झड़ जाने चाहिए तभी परमार्थ होता है। देहबुद्धि के कारण ये सारा ब्रह्म तत्वों से एक रूप होने बिगड़ जाता है, वो हम लोग इसमें घुल मिल नहीं जा सकते। शक्कर अलग रहती है पानी अलग रहता है, हमारी शक्कर हम शक्कर जैसे बन गए, मिठास आ गया और पानी में घुल गए, तो हम लोग भगवान से एक रूप हो सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। विवेक वस्तु कड़े ओढ़ी देहबुद्धि तेथुनी पाड़ी, अहंता लाऊ न निवड़ी वेगड़ेपणे, कि आपको अहंता आ गई देहबुद्धि आ गई, हमारे पास विवेक भी रहा तो मैं सोच रहा हूं और वो मैं अलग हूं और वो अलग है,
मैं अलग तरह से उसको सोच रहा हूँ, या ऐसा है वैसा है, वो ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा किया तो ऐसा होगा, मगर ये सारा देह बुद्धि के ऊपर होता है। तो फिर उसको अहंता आ जाती है कि यार मेरे जैसा अधिकारी कोई नहीं है, मेरे जैसा पावरफुल कोई नहीं है, मेरे से जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, अरे मेरे जैसा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं यानी मैं हूँ, वैसे अहंता लाऊ ने निवड़ी वेगा, फिर हम लोग अलग हो जाते हैं। इसीलिए वो देह बुद्धि भी भगवान के तरफ लगाने का, क्योंकि आपको पता है श्री कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण अर्जुन कहते थे, उनको पता था वो, क्योंकि क्या होता था कि उनको अगर लड़ना है तो उन्होंने बोला कि अरे मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, इसको हरा दूंगा वगैरह वगैरह, आपको पता है वो। तो कई बार ऐसे हुआ कि उसको हारना पड़ा है फिर कभी कभी, है ना, जब श्री कृष्ण का साथ था तो वो जीत रहा था, लेकिन जब भी आता है हार गया, ऐसा होता है। ठीक है, विचक्षण या कारण देह बुद्धि तेजावे श्रवणे सत्य ब्रह्मी साचारपणे मियो न जावे, कि देह बुद्धि इसी के लिए उसका त्याग करना चाहिए। श्रवण, अगर आप सद्गुरु से साधु संतों से श्रवण करते तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने अंदर ही भगवान नाम संकीर्तन करना है, हमें खुद ही चिंतन करने का, ये ओवी का मतलब क्या है, और खुद का खुद सुनने का। एक मराठी में उदाहरण दिया था कि ऐसे कान बंद किया तो हमें एक अनाहत ध्वनि, ये आहत ध्वनि यानी ऐसे आवाज़, किसी के ऊपर ऐसे कुछ लगा तो आवाज़ आता है, तो अनाहत ध्वनि हमें कान में सुनाई देता है। वैसे मन में जो नाम राम नाम लेते हैं उसका खुद श्रवण करना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए, तो क्या होगा, सत्य ब्रह्मी साचार पौने मियो न जावे, फिर हमें सत्य ब्रह्म और साचार आचरण भी अच्छा लगा रहा, भगवान को अच्छा लगा, भगवान के प्रति किया, तो हमको आत्मज्ञान प्राप्ति होता है। सत्य ब्रह्म ते कवण ऐसा श्रोता करी प्रश्न प्रत्युत्तर दे आपण वक्ता श्रोत्या से, कि सत्य ब्रह्म क्या है, सॉरी सत्य ब्रह्म क्या है मुझे बताइए, श्रोता ने प्रश्न किया, तो प्रत्युत्तर हमें देना ही पड़ेगा, तो इस समर्थ रामदास को देना ही पड़ेगा। तो आप सुनिए, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं, मने ब्रह्म एक ही ऐसे, ब्रह्म एक ही है, परिते बहुदभा से एकोम बहुत श्याम, पर बहुत सारे दिखते हैं, अनुभव ही अनारिश्यम नाना मत, बहुत सारे हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे मत भी हैं, द्वैतवाद अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद, सनातन ब्रह्म में ही देखिए, सनातन धर्म में ही देखिए, नाना मत बहुत सारे मत हैं, हर किसी का धर्म भी अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का कहने का मतलब, जे 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 अनुभव ले, जिसको जिसको जो अनुभव आया तेची त्यासे मान ले, उसी को उसने उन्होंने मान लिया, तेथी त्याचे तेथन ची त्याचे विश्वास ले अंत, उसका विश्वास वही क्यों हो गया, विशिष्टाद्वैत अद्वैतवाद द्वैतवाद अद्वैतवाद अद्वैतवाद यानी हर जगह पर ब्रह्म है, लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो मैं अच्छा काम करूँगा, सारे एथिक्स फॉलो करूँगा, तो ये जो है ये विशिष्टाद्वैतवाद है। ठीक है, द्वैतवाद मैं भक्तों भगवान अलग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी नाना मत है, जे जे जया अनुभव ले, वो उसी के ऊपर वो उन्होंने विश्वास रखा और वो अंतकरण से अच्छा काम करके सारी दुनिया की भलाई करके वो चले गए, रामानुजाचार्य मध्वाचार्य शंकराचार्य अद्वैतवाद वाले। ठीक है, कोई भी यहाँ पे देह से अमर नहीं रहा, स्वामी जी कहते थे ब्रह्म नाम रूपातीत असुनी नामे बहुत निर्मल निश्चय निवांत निजानंद, ब्रह्म नाम रूप के अतीत है, उसके बहुत सारे नाम है, असुनी नामे बहुत निर्मल निश्चय निवांत निजानंद, अभी देखिए उनके नाम देखो बहुत सुंदर, निर्मल उनमें मल नहीं, निश्चल वो बिल्कुल स्थिर है, निवांत अपने जगह शांत है, निजानंद अपने आनंद में है, अरूप है जिसको रूप नहीं है, अलक्ष्य जिसका लक्ष्य नहीं कर सकते, अगोचर वो उसको हमने ढूंढना तो मिल नहीं सकता अपने आंखों से देह बुद्धि से, तो अच्युत वो ढल नहीं सकते, अनंत अगणित है, अगणित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अपरंपार वो सारे सारी चीज़ों के परे हैं, अदृश्य वो दिखता नहीं है देह बुद्धि से, अतर्क उसका तर्क नहीं कर सकते, अपार है उसका पार नहीं कर सकती कि ये पार चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके परे क्या फिर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बाद भी वो है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ गए तो उसके भी परे वही है ना, ऐसी नाम है। अभी वो कैसे कैसे लोगों को प्राप्त होता है, किसी को नाद रूप से
जैसे ओंकार स्वरूप किसी को सुनाई देता है, किसी को ज्योति दिखती है, किसी को चैतन्य रूप से समझ में आता है, चिद्विलासवाद ज्ञानेश्वर महाराज का है, सत्ता रूप किसी को सत्ता रूप दिखता है, कि वृक्षा से ही पान हले जची सत्ता, कि उसकी की सत्ता से हर चीज, हर व्यक्ति, हर शक्ति चल रही है। साक्ष्य किसी को साक्ष्य रूपता से दिखता है कि भाई ऐसा ऐसा है। सत्स्वरूप उससे एक रूप होने के बाद उसको दिखता है। तो उन ये सारे वो परब्रह्म तत्व के नाम हैं, ऐसे नाम है। शून्य आणि सनातन, शून्य ठीक है, सनातन भी है, सर्वेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला। अभी सब कुछ जानने वाला का मैंने वो स्वामी जी का उदाहरण दिया है, सर्वज्ञ है। सर्वात्मा, सर्व आत्मा का भी आत्मा है। जगत जीवन, सारी ये बायो जियो केमिकल साइकिल चल रही है, जहाँ पे मानव जाति एक कैंसरस बन चुकी है, पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर रही है, मजाक में बोल रहा हूँ। जगत जीवन सारा, ये सारी सृष्टि चला है, हर जगह जीव है, पृथ्वी पे है, पाताल में है, सूरज पे है, आकाश में, हर जगह जीव भरे हुए हैं। ये सारे जीव 11वें अध्याय में देखे, अर्जुन ने देखे, ऐसे नाम है। अभी साइंस प्रूव नहीं कर सकता उसको, वो हमारे, हमें उसके ऊपर बात नहीं करने की। फिर क्या, ऐसे बहुत सारे नाम है उसको, जगत जीवन कहते हैं, जगत नियंता बोलते हैं। आपको बैठे बैठे एक आधा बच्चा भारत का बता सकता है, 100 नाम बताओ रे भगवान के या देवी के, खटाखट शुरू करेगा, दुर्गा देवी, और फिर बोलेगा कि श्री कृष्ण, राम, शिव, बहुत सारे नाम है। सहज, वो सहज है कि वो है ही है, कुछ बहुत प्रयास करने के बाद कुछ मिला ऐसे नहीं, सहज है। सहज, ज मीन्स जन्म, सह भगवान के साथ जीने का, ऐसा भी उसका अर्थ है। दूसरा सहज का मतलब है सहजता से प्राप्त होने वाला, और वो है ही है, सदोदित है, शुद्ध बुद्ध, वो शुद्ध है, उसके जैसा शुद्ध कोई नहीं। बुद्ध वही बुद्ध है, हर कोई बुद्ध बन सकता है, हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, और वो सर्वातीत है, सर्व के अतीत है, शाश्वत है, हर समय है, और शब्दातीत है, शाश्वत आणि शब्दातीत, ऐसे नाम, वो शब्द के अतीत है। शब्दातीत क्या है? परब्रह्म तत्व। सहज आणि सदोदित, शुद्ध बुद्ध सर्वातीत, शाश्वत आणि शब्दातीत, ऐसे नाम है। विशाल विस्तीर्ण विश्वंभर, बहुत विशाल है, विस्तीर्ण है, हर जगह ऐसा फैला हुआ है, विश्वंभर हर जगह कूट कूट के भरा है, विमल है, उसको कुछ मल नहीं है, वस्तु है, वस्तु यानी तत्व, जैसे हनुमान जी कहते हैं मैं तत्व के लिए, राम तत्व के लिए काम करता हूँ, वस्तु। व्योमाकार, व्योमाकार यानी उसको शून्याकार कह सकते हैं, व्योम यानी अंधकार भी होता है, ठीक है, कि हर जगह आप देखिए ना, सोच के देखिए कि अंधकार ज्यादा है उजाले से पूरे हजारों ब्रह्मांडों में, ठीक है, तो यानी बहुत बड़ा आकार है उसका। आत्मा उसको कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई परमेश्वर कहते हैं, ऐसी नाम है। परमात्मा ज्ञान घन, परमात्मा कहते हैं, ज्ञान घन कहते हैं, कि ज्ञान का सागर है, पूरा कूट कूट के ज्ञान भरा हो उसमें, एक रूप है, वो एक ही रूप हर जगह है, पुरातन है, सबसे पुरातन क्या है? परमात्मा है, हरदम क्या क्या रहने वाला परमात्मा, वो चित रूप है, चैतन्य रूप है, चित मात्र हर जगह मात्रा में चैतन्यमय वही है, जाण नामे अनामे ची, ऐसे अनामी जो है उसी के नाम ये सारे दिए हैं, ठीक है। ऐसी नामे असंख्यात, परि तो परेश नामातीत, वो पर सब ईशों के परे है, वो नामातीत है, उसके असंख्य नामे, त्याचा करावा निश्चित अर्थ नेमिले ठेवे, वो निश्चित समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं सारे नाम बता रहा हूँ। अभी इसका हमका क्या मतलब है कि साक्षी रूप है, हाँ साक्षी रूप है, स्वस्वरूप है, हाँ है, चैतन्य रूप है, सनातन है, सहज है, सदोदित, इतने सारे नाम उन्होंने लिए। एक बार हमने कैलकुलेट किए थे कि 42 52, अरे लेकिन हर शब्द में भी वो हो सकता है, तो फिर ये कितने, यहाँ पे शायद 55 है ना, हाँ 55 वो ही है, तो पता चलता कि यार 55 वही में हर, इसमें इतने हर शब्द का अर्थ तो वही निकल रहा है, ठीक है। तो विश्रांति का विश्राम, विश्रांति का भी विश्राम है, कि जो अल्टीमेट हमें रसगुल्ला खाने के बाद जो सुख मिलता है उसकी भी परे सुख है, जहाँ पे हमें विश्रांति मिलती है। जैसे कल हमने उदाहरण देखा था कि लड़की मायके जाती है तो उसको हाँ अच्छा लगता है, तो उससे भी ज़्यादा सुख परमात्मा के पास मिलता है।
आदि पुरुष आत्माराम, वो आदि पुरुष है आत्माराम है। आत्माराम का जो ग्रंथ मैंने बताया था समर्थ रामदास का, उसमें लिखा कि अगाजे जाले जी ने, ये जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो फिर किसी ने बोला कि ये एक बार हम लोग ऐसे बात करें, ज़्यादा शांत पट्टी मत कर, चल अपना काम कर। यानी पता नहीं लोगों को शुद्ध जीवन जीने में क्या तकलीफ होती है, हरदम पापी पेट का ही सवाल क्यों रहता है, पुण्य पेट का सवाल क्यों नहीं बोलते। आदिपुरुष ये आत्माराम से मुझे याद है, ये घटी हुई घटना इसलिए बताया। आदिपुरुष आत्माराम है ते एकच ही परब्रह्म दूसरे नहीं, वो एक ही परमात्मा है, परब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है। हर जगह हर क्षण हर घड़ी अपने अंदर बाहर, हमारे जन्म होने से पहले हम लोग जी रहे तब, और हमारे मृत्यु के बाद भी वही रहने वाला है। तेची कया कारण, यही समझने के लिए 14 ब्रह्माची लक्षण, 14 ब्रह्मांची लक्षण, ऐसे 14 ब्रह्मा जो है, 14 ब्रह्मा है, उनके लक्षण में सांगी जी श्रवण निश्चय अगले समाज में बताने वाला हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। खोटे निवेड़िता एक सरे उरले ते जानी जे खरे, 14 ब्रह्मे शास्त्र आधारे बोली जाते, शास्त्र के आधार से जो असली भाग है, जो बहुत लेना ही चाहिए वो मैं बात करने वाला, बाकी का जो है सारा पोचट, और जो जो मराठी में बताया ना पोचट या टर्फल, यानी वो कवर जो है, जो अनावश्यक चीज़ें मैंने वो साइडलाइन करके अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस समाज में समर्थ रामदास ने बताया कि द्वैत भाव से अद्वैत भाव तक जाने के लिए, अहंता से आत्मबुद्धि की तरफ जाने के लिए सदगुरु एक चाबी रहती है, किल्ली रहती है। सदगुरु प्राप्त होने के बाद हमें ये, हम लोग द्वैत भाव से अद्वैत भाव तक जाके परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारे प्रकार की साधना बताए कि खुद का श्रवण करने का, नामस्मरण करने का, खुद को सुनने का, और फिर ये सारे परमात्मा के जो नाम दिए उसके वो सारी अवस्था भी है, ठीक है क्या? जैसे कि शुद्ध बुद्ध, शुद्ध ही अवस्था है, बुद्ध ही अवस्था है, सर्वेश्वर सर्वज्ञ सहज, ये साधो सदोदित नाद रूप ज्योति रूप, ऐसे सारे अनुभव हम लोग लेने का प्रयास करते हैं, और इस अनुभव के परे भी परमात्मा है, इतना याद रखने का और चलते रहने का इस परमार्थ मार्ग के ऊपर, जिसके कारण हम भगवान से सतत एक रूप रह सके, हम योगी बन सके, भक्त बन सके, और भगवान से एक रूप होकर पूरी जिंदगी जी सके, ठीक है। इति श्री दास बोधे गुरु शिष्य संवादे ब्रह्म निरूपण नाम समास दूसरा, ये जो दास बोध है, जो गुरु और शिष्यों का संवाद है, उसमें का जो ब्रह्म निरूपण जो नाम है, नाम का जो समास है, वो अभी यहाँ पे समाप्त होता है। अगले समास में हम लोग चतुर्दश ब्रह्म निरूपण देखने वाले हैं। धन्यवाद।